हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। माई एसक्यूएल के अंदर अब ये हमारी टेबल है, टेबल का नाम है सॉफ्टी, आप देख सकते हैं, और एक डेटाबेस बनाया है सॉफ्टी, इसी के अंदर ये टेबल बनाई गई है और इसमें कुछ रिकॉर्ड्स भी मैंने इंसर्ट कराए हैं जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा। और हम ये चाहते हैं कि इसे हम असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको हम कर दें, तो ये कैसे होगा? तो ये बड़ा आसान है करना, ठीक है, चाहे आपको असेंडिंग करना हो चाहे डिसेंडिंग करना हो, जो भी करना है तो आपको सीधा सीधा सेलेक्ट जो यहाँ पे स्टेटमेंट है उसका यूज करना है। इस तरीके से लिखिएगा सेलेक्ट, ठीक है, कि सेलेक्ट, ठीक है। और सेलेक्ट लिखने के बाद क्या करना है, सेलेक्ट लिखने के बाद यहाँ पर आपको लगाना है क्या, सब कुछ सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट जैसे कि स्मॉल लेटर में लिखा है बिल्कुल वैसे ही लिखना है आपको, ठीक है। तो ये नेम ऑफ प्रोडक्ट हो गया, अब जैसे लिखा है बिल्कुल वैसे ही लिख दीजिएगा, और ये लिखने के बाद कॉमा लगाइए, और फिर क्या है, प्राइस है तो प्राइस का पी कैपिटल है, तो जैसे है बिल्कुल वैसे लिख डालिए। ये हो गया, इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर आपको ये कहां से सेलेक्ट करना है, ये किसी टेबल से सेलेक्ट करना है तो वो टेबल का, तो फ्रॉम यहां पर, और जो टेबल का नाम है वो आपको देना है, ठीक है ना। तो ये हमें किससे सेलेक्ट करना है, तो उस टेबल का नाम हमें देना है यहाँ पे, ठीक है। उस टेबल का नाम आप दे दीजिए, जैसे मान लीजिए हमारे केस में क्या है नाम, शॉप टी ये दे दिया हमने। और शॉप टी देने के बाद इस पे ऑर्डर बाई लगाना है, क्या लगाना है, ऑर्डर बाई, क्या लगाएंगे, ऑर्डर बाई। तो इस तरीके से लिखिएगा ऑर्डर फिर बाई, इस तरीके से लिख दीजिएगा। और फिर हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे नेम ऑफ प्रोडक्ट, तो जैसे लिखा गया बिल्कुल वैसे ही नेम, क्योंकि हमको नेम ऑफ प्रोडक्ट के ही बेस पे इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो यहाँ पे नेम ऑफ प्रोडक्ट लिख रहा हूं, तो जिसके बेस पे करना वही चीज यहाँ पे आपको डालनी है। तो ये लिख दिया नेम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हो गया नेम ऑफ प्रोडक्ट, और नेम ऑफ प्रोडक्ट लिखने के बाद जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये नेम ऑफ प्रोडक्ट लिख दिया है, यहाँ पे लिखिएगा डीई एस सी, इस तरीके से लिख दीजिएगा डीई एस सी, और यहाँ पर टर्मिनेशन दे दीजिएगा और एंटर करिएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसे अब ये असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में कर चुका है, असेंडिंग नहीं बल्कि डिसेंडिंग। ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर कंप्यूटर पहले आ रहा था, ठीक है, और फिर यहाँ पे लैपटॉप आ रहा था, तो इसको बिल्कुल डिसेंडिंग ऑर्डर में इसने कर दिया। यही चीज असेंडिंग में करना होगा, तो असेंडिंग में जनरल वे में आप लिख सकते हैं, कैसे जनरल वे में लिखेंगे और कैसे ये असेंडिंग ऑर्डर में होगा, देखिए असेंडिंग ऑर्डर के लिए आप ए एस सी करके भी लिख सकते हैं, तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर वही चीज की यहाँ पे लिखिएगा सेलेक्ट जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, और प्रोडक्ट लिखने के बाद क्या करना है, कॉमा देना है, कॉमा देने के बाद यहाँ पे प्राइस दे दीजिएगा, पी आर आई सी ई प्राइस, यहाँ पे देंगे फ्रॉम, अब टेबल कौन सा है, तो शॉप टी है, तो यहाँ पे शॉप टी दे दीजिए, और शॉप टी देने के बाद ऑर्डर बाई करिए, यहाँ पे ऑर्डर बाई, यही है वो स्टेटमेंट जो आपका शॉर्टिंग करेगा। तो यहाँ पे हम किसके बेस पे शॉर्ट करा रहे हैं, तो नेम ऑफ प्रोडक्ट, तो नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर प्रोडक्ट कर देंगे, तो ये नेम ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा, ये जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप करिएगा नेम ऑफ प्रोडक्ट। और यहाँ पर हम असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ए एस सी लिख रहा हूँ, और यहाँ पर टर्मिनेट कर दीजिए, देखिए अब ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। तो इस तरीके से आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करने का पूरा ही क्वेरी लिख सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक है ना, एक बार कर लेंगे बस समझ में आ जाएगा, ठीक है, ओके।